अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम यूपी बोर्ड में 6 नंबर पर दी गई पोयम बेले डैम सेंस मर्सी के बारे में जानने वाले हैं, जिसे लिखा है जॉन कीट्स ने। इस कविता में कवि ने ससुरों से सुसज्जित एक योद्धा का वर्णन किया है जो दयारहित एक सुंदर स्त्री से धोखा पाता है। ससुरों से सुसज्जित योद्धा वास्तव में कोई और नहीं, स्वयं कवि ही है, और वह सुंदर स्त्री फैनी ब्राउन है, जिससे कवि शादी तो करना चाहता था परंतु शादी नहीं कर सका, जिसके कारण वह अत्यंत निराश हुआ, और उस निराशा को ही वह इस कविता में प्रकट करता है। कवि कहता है कि एक योद्धा एक लड़की से प्यार करने लगता है जो एक परी के समान सुंदर है। वह योद्धा उसे फूलों का सुंदर हार और फूलों से ही निर्मित अन्य उपहार भेंट करता है। वह स्त्री उसे अपनी गुफाओं में ले जाती है और उसे स्वादिष्ट भोजन एवं शहद भेंट करती है। वे एक दूसरे के प्रति अपने गहरे प्रेम को प्रकट करते हैं। योद्धा सो जाता है। वह सपने में बहुत से योद्धाओं को देखता है जो इस धोखेबाज स्त्री के शिकार हो चुके हैं। वे उसे सावधान करते हैं, फिर वह जाग जाता है और स्वयं को एक पहाड़ी पर पाता है। इस प्रकार हम कविता में कवि के अधूरे प्रेम और निराशा को पाते हैं। अब हम चलते हैं स्टेंजा वाइज इसकी हिंदी को जानने के लिए। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ शस्त्रों से सुसज्जित राजा, तुझे क्या परेशानी है, तुझे क्या दुख है। एलोन एंड पेली लोटरिंग, तुम अकेले और पीली मुख मुद्राएं पीले से चेहरे को बनाए क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज वेदर्ड फ्रॉम द लेक, नो बर्ड्स सिंग, झील के ऊपर की घास भी सूख गई है और कोई पक्षी भी गीत नहीं गा रहा है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ शस्त्रों से सुसज्जित राजा, तुम्हें क्या परेशानी है। सो हैगर्ड एंड सो वो विगिन, तुम इतने थके हुए और इतने दुख से पीड़ित क्यों हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी ने भी अपने भंडार को पूरा भर लिया है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसलें भी पूरी काटी जा चुकी हैं, अर्थात ठंड के कारण कोई भी बाहर नहीं है। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर कुमुदनी के पुष्प के समान सफ़ेद रंग अर्थात रक्तहीन तथा पीला रंग देख रहा हूँ। तुम्हारा मस्तिष्क मानसिक चिंता तथा दुख के कारण पसीने से भीगा हुआ है। एंड ऑन द चिक्स अ फीडिंग रोज फास्ट वेदर्ड टू, तुम्हारे गाल जो गुलाबी रंगों से सुशोभित हुआ करते थे, अब वह मुरझाए हुए फूल के समान सूख गए हैं। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल अ फेयरीज चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वर वाइल्ड। इस पंक्ति में इस स्टेंजा में योद्धा जवाब देता है कि चारागाह में मुझे एक स्त्री मिली, वह अत्यधिक सुंदर थी, वह एक परी की पुत्री की तरह लगती थी। उसके बाल लंबे थे, उसके पैर हल्के थे तथा उसकी आंखें अजीब प्रेम से भरी हुई थी। आई मेड अ गारलैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फेरनेट जोन, सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन,
मैंने उसके सिर के लिए फूलों की माला बनाई, फूलों के कंगन बनाए और सुगंधित फूलों की कमर में बांधने के लिए कोंधनी भी बनाई। उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो वह मुझसे प्रेम करती थी और उसने मधुर आहें भी भरी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट एंड नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड एंड सिंग अ फेयरी सॉन्ग। मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया। दिन भर मैंने उसके अलावा कुछ भी नहीं देखा क्योंकि वह एक ओर को झुककर परियों वाले गीत गाती रही। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मैन एंड ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव द ट्रू। उसने मुझे मधुर और स्वादिष्ट कंदमूल, शुद्ध प्राकृतिक शहद और एक प्रकार का स्वर्गीय भोजन दिया। उसने मुझे अजीब भाषा में कहा मैं तुमको प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर एलिफेंट ग्रॉट एंड देयर सी वेप्ट एंड साइंग फुल सोर एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज विद किसेस फोर। वह मुझे अपनी रहस्यमय गुफा में ले गई और वहाँ जाकर वह रोई, जोर जोर से उसने अपनी आहें भरी और वहाँ मैंने उसकी नशीली आँखों को चार बार चुंबन करके बंद कर दिया और अपना प्रेम उस पर दर्शाया। एंड देयर सी लुल्ड मी एस्लीप एंड देयर आई ड्रीम्ड आह वो वी टाइड द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। वहाँ उसने मुझे लोरी गाकर सुला दिया और वहाँ मैंने एक सपना देखा। अरे कितनी मुसीबत आन पड़ी थी, यह ठंडी पहाड़ी पर देखा गया मेरा अंतिम स्वप्न था। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल दे क्राइड ला वेले डैम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रेल। मैंने पीले दिखाई देने वाले राजाओं, राजकुमारों तथा योद्धाओं को भी देखा। वे सभी मृतकों के समान पीले तथा रक्तहीन थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा दयारहित स्त्री ने तुम्हें अपना बंदी बना लिया है, अपना दास बना लिया है, अतः इससे बचो, यह तुम्हें अपना दास बना लेगी। ऐसा देयर स्टर्ब्ड लिप्स इन द ग्लूम विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हेयर ऑन द कोल्ड हिल साइड। मैंने गुफा के अंदर अंधकार में उनके सूखे हुए होठों को देखा। उनके होठ खुले हुए थे तथा भयंकर चेतावनी दे रहे थे। मैं जाग पड़ा तथा मैंने अपने आप को एक ठंडी पहाड़ी पर पाया। एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हेयर एलोन एंड पेली लोटरिंग दो द सेज हैज़ वेदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड्स सिंग। और इसी कारण से मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैं अकेला हूँ तथा पीले चेहरे अर्थात रक्तहीन चेहरे के साथ घूम रहा हूँ। यद्यपि झील की जो घास है वह भी सूख चुकी है, मुरझा गई है और कोई पक्षी भी गीत नहीं गा रहा है। मित्रों, मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा समझाई गई ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।